नमस्कार। आज तारीख है 13 मई, चिलचिलाती धूप है और दिन के करीब 1 इस समय बजे हुए हैं। और मैं हूं गांव पीपल था, जो नरवाना तहसील जींद जिले में पड़ता है, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। मैं संगरूर जा रहा था किसानों को धान की सीधी बिजाई के बारे में उत्प्रेरित करने के लिए। और कल मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, हमारे साथ किसान हैं मालक सिंह जी, जिन्होंने अपने फेसबुक पे डाला था कि अभी उन्होंने धान की सीधी बिजाई 12 तारीख को की थी, पूसा बासमती 1401 की। तो फिर मैंने सोचा कि इनके यहाँ से होते हुए मैं आगे जाऊँ, और अभी हम इनके खेत पर हैं। बात करते हैं मालक सिंह जी से, आपने इसमें कौन सी किस्म लगाई है? सर, इसमें हमने लगा रखी है जी 1886 और 1401 दोनों लगा रखी हैं जी। जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आमतौर पे 3 तरीके लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ जी। एक तो यह है कि बिजाई करने के बाद उसके बाद पानी लगाते हैं। दूसरा यह है कि खेत में पानी लगाए जो तरबतर मेथड होता है, और उसमें बत्तर आ जाने के बाद खेत की जुताई करते हैं, फिर बुआई करके इसके बाद दवा डालते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों तरीकों में क्या खास अंतर है? आपको ये तरीका बेहतर है या बुआई करने के बाद पानी लगाएं वो तरीका बेहतर है, दोनों में क्या अंतर है जरा बताएं। ऐसी तरीका सबसे बढ़िया जी बत्तर विधि का है जी। इसमें जो कबाड़े की समस्या वो कम आती है जी। और जो अपन केरकर पानी लगाते हैं जी, उसमें जी गंद की समस्या, कबाड़े की समस्या ज्यादा आती है जी।